हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ कृतिका और आज मैं आपको बताने वाली हूं भूटान के बारे में सब कुछ। कहां जाएं, कैसे जाएं, कौन से मौसम में जाएं, कब ना जाएं, कितना खर्चा होगा, कौन कौन सी जगह पे आप ज़रूर विज़िट करें और भूटान क्यों इतना स्पेशल है, क्यों इतना फेमस है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि भूटान पहुंचा कैसे जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल हुआ कृतिका, मतलब कोई भी कंट्री में पहुंचने के लिए पहले वीज़ा कराओ, फिर टिकट कराओ एंड देन यू विल रीच। बट इस केस में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपको पता है कि भूटान बहुत ही छोटा सा कंट्री है एंड ओनली वन सिटी जहाँ पे है एयरपोर्ट एंड दैट टू इज़ वेरी क्रिटिकल। उसका रनवे बहुत ही छोटा है एंड वो भी पूरा जो पारो सिटी में एयरपोर्ट है वो पूरा माउंटेन से सराउंडेड है। तो स्पेशल स्किल्ड पायलट्स लगते हैं वहाँ पे टेक ऑफ और लैंडिंग करने के लिए। तो इसकी वजह से बहुत ही कम फ्लाइट्स अवेलेबल रहती हैं जो कि ईजिली नहीं मिलती हैं और थोड़ी सी कॉस्टली साइड पर रहती हैं। तो हम लोग ऑल्टरनेटिव रूट्स ढूंढ सकते हैं डायरेक्टली पारो में लैंड करने की बजाय। हम लोग ट्रेन से जा सकते हैं। ट्रेन से जाने के लिए आप सिलीगुड़ी ट्रेन स्टेशन तक पहुंच जाएं, वहां से 4 से 4.5 घंटे में आप आराम से बाय रोड भूटान पहुंच सकते हैं। जी हाँ, बाय रोड आप इजीली भूटान पहुंच सकते हैं। इंडिया और भूटान की जो बाय रोड कनेक्टिविटी है वो बहुत ही बढ़िया है। कृतिका, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ट्रेन से ट्रैवल करें, बहुत देर लग जाएगी ट्रेन से पहुंचने में, तो आप जी फ्लाइट से आ जाइए। तो बागडोगरा एयरपोर्ट नियरेस्ट एयरपोर्ट है, बागडोगरा एयरपोर्ट तक आ जाएं, वहां से आपको 4 से 4.5 घंटे लगेगा भूटान पहुंचने में। तो भूटान में फ्यूंत शोलिंग तक आप फ्री में एंट्री कर सकते हो, लेकिन फ्यूंत शोलिंग से आगे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज घूमने के लिए आपको परमिट लेना पड़ेगा। परमिट लेने के लिए आपको यहाँ पे SDF पे करना पड़ेगा। SDF इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस, जो कि है 1200 रुपये पर पर्सन पर डे के हिसाब से। तो यहाँ पे फ्यूंत शोलिंग पहुँचने के बाद आप इनके परमिट ऑफिस जाएंगे। परमिट ऑफिस में बोलेंगे ओके, हमारा 8 डेज़ का यहाँ पे घूमने का प्रोग्राम है या 9 डेज़ का घूमने का प्रोग्राम है, तो हमें 9 डेज़ के हिसाब से परमिट दे दो। आप उनको पेमेंट करोगे 1200 रुपये पर डे के हिसाब से, देन दे विल गिव यू परमिट। डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको पासपोर्ट अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, पासपोर्ट नहीं है तो भी आप भूटान घूम सकते हैं। आप अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा सकते हैं जिससे आपको परमिट मिल जाएगा। छोटा बच्चा है, उसके पास ना पासपोर्ट है ना वोटर आईडी है, तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी आप दिखा सकते हो। वहाँ जाके परमिट लेना पड़ेगा कृतिका, ये तो मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मतलब वहाँ जाएँ फिर डॉक्यूमेंट्स दिखाएं और वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई और हम लोगों को परमिट नहीं मिली, तो ये तो बड़ा ही दिक्कत वाला है। क्या हम पहले से परमिट अप्लाई नहीं कर सकते ताकि हमको टेंशन ना रहे, फिर वहाँ पे हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, पता नहीं कितना टाइम लग जाए परमिट लेने में। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूँ कि अगर आप किसी टूर ऑपरेटर से अपना पैकेज बुक करा रहे हैं, जैसे कि मेक माई ट्रिप या अदर टूर ऑपरेटर्स, तो वो लोग आपके लिए परमिट पहले से अप्लाई कर देंगे। आप उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दें और वो परमिट के लिए अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर आप खुद से जा रहे हैं तो आप परमिट अप्लाई नहीं कर सकते पहले से, आपको वहीं पे जाके परमिट मिलेगा। लेकिन परमिट लेने में कोई भी मुश्किल नहीं है, अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स हैं तो परमिट आपको ईजिली मिल जाता है। 1 से 2 घंटा मैक्सिमम आपको लगेगा परमिट लेने में, हमको तो उतना भी नहीं लगा था, मतलब हार्डली 1 आवर में हम लोगों को परमिट मिल गया था। यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो है भूटानीज निगोल्ट्रम एंड भूटानीज निगोल्ट्रम की वैल्यू इंडियन रुपीस के सेम है, यानी 200 निगोल्ट्रम इज इक्वल टू 200 रुपए। तो आपके पास अगर लोकल करेंसी नहीं है तो बहुत सारी शॉप्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारी ही शॉप्स हैं जहाँ पे 200 और 500 की इंडियन करेंसी नोट चल जाती हैं। तो आप अपने साथ 200 और 500 की नोट रख लें तो आपको करेंसी एक्सचेंज नहीं करवाना पड़ेगा, आपका इजीली काम हो जाएगा। सेफ साइड आप अपने साथ लोकल करेंसी रख सकते हैं, क्योंकि कई बारी अगर आप कोई शॉप पे जा रहे हैं तो चेंज पैसे आपको नहीं मिलते हैं, सिर्फ 200 और 500 की नोट चलती है, तो वहाँ पे आपको लोकल करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। कार्ड बहुत सारी जगहों पर नहीं चलते हैं, कार्ड भी आप रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट है आप अपने साथ लोकल करेंसी रख लें और कुछ 200 और 500 की नोट्स रख लें, तो जहाँ पे आपको चेंज लेने की ज़रूरत नहीं है आप 200-500 की नोट का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे चेंज चाहिए वहाँ पे आप लोकल करेंसी यूज़ कर सकते हैं। भूटान में ट्रैवल करने के लिए गाइड इज़ मैंडेटरी, तो आपको अपना गाइड पहले से ही बुक कराना होगा। इमिग्रेशन के पहले ही आपको आपका गाइड मिल जाएगा एंड फ्रॉम देयर ही विल टेक ओवर। आपको फिर किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका इमिग्रेशन करा देगा, परमिट रिक्वायरमेंट आपकी क्या है सब कुछ वो आपका काम करा देगा।
आपको लगेगा कि वाओ इट इज़ सो स्मूथ एंड सो इजी। और गाइड के ना कई जगहों पे फ़ायदे भी बहुत होते हैं, आपको हर एक चीज़ डिटेल में पता लगती है कि कोई भी प्लेस आप घूमने जा रहे हैं तो वो कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनी, हर एक डिटेल वो आपको बताएगा। कोई भी आपके पास सवाल हो आप उन गाइड से पूछ सकते हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस गाइड के साथ बहुत अच्छा रहा। जनरली हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो अपने साथ गाइड नहीं बुक कराते, हमें लगता है ओके वी कैन ट्रैवल बाय अवर ओन, नो नीड ऑफ गाइड। बट यहाँ पे भूटान आने के बाद हमको लगा कि बहुत अच्छा था कि गाइड था हमारे साथ। तो एक तो कौन सी जगह जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सब डिटेल्स हमको मिलती रही भूटान के बारे में, कल्चर के बारे में हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी जो बिना गाइड के हमको नहीं पता लग पाती। तो कृतिका बेस्ट टाइम कौन सा है भूटान विजिट करने के लिए? भूटान विजिट करने के लिए बेस्ट सीजन है मार्च अप्रैल में, जहाँ पे रहती है लश ग्रीनरी और खूब सारे फ्लावर्स। वेदर वाइज भी इस टाइम बहुत अच्छा होता है, ना ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्म होता है। हम लोग मार्च एंडिंग में गए थे तब हमको थोड़ी बहुत बारिश भी देखने को मिली थी, एंड बारिश की वजह से एक थिम्फू सिटी थी जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा हो गया था, बट ओवरऑल रेस्ट ऑफ द सिटीज़ वर वेरी गुड। तो कृतिका कितने दिन चाहिए भूटान घूमने के लिए? तो भूटान घूमने के लिए 8 से 9 दिन आर मोर देन सफिशियंट। भूटान बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है, 8 से 9 दिन में आप पूरी कंट्री कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि हमने कहाँ कहाँ भूटान में कौन कौन से दिन कैसे कवर किया। तो लेट्स सी दैट। तो दिल्ली एयरपोर्ट से हम लोगों ने फ्लाइट ली बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए। बागडोगरा एयरपोर्ट तक हम पहुंचे, वहां से हम लोगों ने गाड़ी की और बाय रोड हम लोग पहुंचे भूटान। द एंट्री पॉइंट वॉज फ्यूंतशोलिंग। एंट्री पॉइंट से पहले ही हमको हमारा गाइड वहाँ पे मिल गया था और गाइड ने हम लोगों का इमिग्रेशन कराया। इमिग्रेशन प्रोसेस वॉज वेरी स्मूथ, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। हार्डली 5 to 10 minutes हमको लगे, इमिग्रेशन इज़ ऑल डन। उसके बाद वॉक करके हम लोगों ने भूटान में एंट्री की। वहाँ पे हमको एक भूटान की व्हीकल मिल गई। भूटान की व्हीकल में हम लोगों ने अपना सामान शिफ्ट किया एंड वी रीच टू द परमिट ऑफिस। वहाँ से हम लोगों ने परमिट लिया। परमिट लेने में हम लोगों को हार्डली 1 से 1.5 hours लगा एंड देन वी केम बैक टू अवर होटल। तो डे वन में फिर हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया और लोकल फ्यूंतशोलिंग एक्सप्लोर किया। उसके बाद लोकल एक दो शॉप्स एक्सप्लोर की एंड देन दैट वॉज द एंड ऑफ अवर डे वन। तो डे टू के लिए हम लोग निकले थिम्फू सिटी के लिए। फ्यूंतशोलिंग से थिम्फू का ट्रैवल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 4 hours और वहाँ पे हम लोगों ने बीच में कुछ स्पॉट्स कवर किए। बीच में रुक के चाय मैगी खाई, दैट वाज अ फन। एंड उसके बाद हम लोग एक व्यू पॉइंट पे रुके तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये वाटरफॉल, खूब सारी फोटोज वगैरह ली हम लोगों ने यहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने विजिट किया नेशनल मेमोरियल चॉर्टन जो कि एक स्तूपा है एंड दैट वॉज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। उसके बाद हम लोगों ने होटल में चेक इन किया। जिस होटल में हम रुके थे वो है सिटी होटल थिम्फू एंड दैट वाज वेरी गुड। तो डे 3 में हम लोगों ने थिम्फू सिटी को एक्सप्लोर किया। थिम्फू सिटी यहाँ की कैपिटल सिटी है एंड द एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। सबसे पहले हम लोगों ने विजिट किया बुद्धा डोडिमा। ये यहाँ पे है बहुत ही वास्ट और बड़ा स्टैचू बुद्धा जी का, दैट गिव्स अ मेस्मराइजिंग व्यू क्योंकि ये थोड़ी हिल्स पे बना हुआ है, इससे व्यू जो है बहुत ही ब्यूटीफुल मिलता है एंड बहुत ही सुंदर ये स्टैचू। इसके बाद हम लोग गए ताकिन प्रिजर्व। ताकिन यहाँ का नेशनल एनिमल है, इसके बारे में पूरी डिटेल, ये जानवर कैसे बना, क्या लोगों की सोच है, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, ये सब मैंने पूरा एक डिटेल में वीडियो बनाया है, आप मेरे व्लॉग में जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने विजिट किया ताशिको जोंग जो कि एक फोर्ट है और उसके बाद हम लोग गए सिंपली भूटान, जहाँ पे हमने भूटान के लोकल कल्चर, लोकल फूड, लोकल डांस सब कुछ एक्सप्लोर किया। डे 4 में हम लोग गए थिम्फू से पुनाखा। थिम्फू से पुनाखा का ट्रैवल डिस्टेंस है 2 hours। इसके बीच में हम लोगों ने कई स्पॉट्स कवर किए। तो सबसे पहले हम लोग रुके डोचला पास में, दैट गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड मेस्मराइजिंग व्यू एंड हम लोग लकी थे कि हमको यहाँ पे स्नो देखने को मिला। तो द व्यू वॉज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, खूब सारी फोटोज और वीडियोज ली हमने यहाँ पे। इसका भी डिटेल में क्या है इसका सिग्निफिकेंस, क्या है इसका इंपॉर्टेंस, पूरा डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, आप मेरे व्लॉग में वो भी जाके चेक कर सकते हो।
डोचला पास विजिट करने के बाद हम लोग गए चिमनी लाखांग। दिस इज अ फर्टिलिटी टेम्पल एंड कहा जाता है कि जिनको बेबी होने में इशू हो रहा है वो यहाँ जाके अगर प्रेयर करे तो उनको गॉड ग्रेस से बेबी जरूर मिलता है। आई डोंट नो कितनी सच्चाई है इसमें, बट ऐसा यहाँ पे लोगों का मानना है। देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पे प्रेयर्स करने के लिए। इसके बाद हम लोग गए पुनाखा जोंग विजिट करने के बाद वी वेंट टू अवर होटल रिजॉर्ट एंड वी चेक इन देयर। तो जो पुनाखा में हमारा होटल रिजॉर्ट था द नेम वॉज जिंगम रिजॉर्ट एंड बहुत ही ब्यूटिफुल ये रिजॉर्ट था। मैं इस रिजॉर्ट को ज़रूर रिकमेंड करूँगी, अगर आप भी पुनाखा में रिजॉर्ट देख रहे हो तो ये रिजॉर्ट आप बुक करा सकते हो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट था ये, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। डे 5 हम लोगों ने थोड़ा सा रिलैक्सिंग रखा अपना, ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं रखा। एक ही जगह कवर की फोबजिका वैली जो कि पुनाखा से थी ऑलमोस्ट 3 आवर्स की ड्राइव, तो हम लोगों ने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, फोबजिका वैली एक्सप्लोर की एंड देन वी केम बैक एंड रेस्टेड फॉर द डे। तो डे 6 में हम लोग गए पुनाखा से पारो। पुनाखा से पारो का ट्रैवल डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 4 आवर्स, बीच में कुछ स्पॉट्स पे रुके। इसके रास्ते में हमने कवर किया नेशनल म्यूजियम ऑफ भूटान। नेशनल म्यूजियम वॉज वेरी गुड और यहाँ से जो व्यू था दैट वॉज ऑल्सो वेरी मेस्मराइजिंग। इसके बाद हम लोगों ने विजिट किया रिनपुंग जोंग एंड देन वी चेक्ड इन टू अवर होटल रिजॉर्ट एंड रेस्टेड फॉर द डे। जो पारो में हमारा होटल रिजॉर्ट था दैट वॉज ताशी नामगे एंड दैट रिजॉर्ट वॉज ऑल्सो वेरी गुड। तो डे 7 में आप लोग जा सकते हैं टाइगर नेस्ट, विच अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं जा पाए थे किसी रीजन की वजह से, बट टाइगर नेस्ट इज द मस्ट विजिट प्लेस ऑफ पारो, आपको जरूर जाना चाहिए। वहाँ पे थोड़ा ट्रैक होता है 4 to 5 hours ऑन एन एवरेज वहाँ पे आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, बट जो व्यूज आपको मिलते हैं टॉप हिल पे पहुँच के दैट इज वेरी ऑसम। तो डे 8 में हम लोगों ने यहाँ की लोकल सिटी को एक्सप्लोर किया, लोकल ड्रेस ट्राई की, खूब सारी फोटोज खूब सारी वीडियोज बनाई, खूब इंजॉय किया। इसके साथ ही लोकल मार्केट एक्सप्लोर की। कहीं भी किसी डिफरेंट कंट्री में जाते हो ना आप, तो आपको वॉक करके कोई ना कोई सिटी एक्सप्लोर ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि वो अलग ही एक एक्सपीरियंस रहता है, उस कंट्री का एक फील लेना बहुत ज़रूरत है। तो वॉक करके आप कोई भी सिटी एक कंट्री की ज़रूर एक्सप्लोर करें। तो कृतिका ये सब तो ठीक है, घूमने की जगह बहुत सुंदर है, लेकिन ये तो बताओ कि खर्चा कितना हो जाएगा इन सब चीज़ों में, तो चलिए वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मान के चल रही हूँ कि आप बागडोगरा एयरपोर्ट तक पहुँच चुके हैं, क्योंकि बागडोगरा एयरपोर्ट तक पहुँचने में प्राइस में बहुत वेरिएशन है। ट्रेन के प्राइसिंग अलग हैं, फ़्लाइट के प्राइसिंग अलग हैं डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ से, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से। तो अज्यूमिंगली आप बागडोगरा एयरपोर्ट तक पहुँच गए हैं। बागडोगरा एयरपोर्ट से अगर आप टैक्सी लेते हैं तो आपको भूटान बॉर्डर तक पहुँचने में ऑलमोस्ट लग जाएगा 3,500 rupees टैक्सी का। अगर आप सिलीगुड़ी ट्रेन स्टेशन से आ रहे हैं तब भी आपको ऑलमोस्ट सेम चार्जेस लगेंगे टैक्सी के। तो भूटान में एंटर करने के बाद आपको एक फुल डे की कैब हायर करनी पड़ेगी, जिसके चार्जेस हैं 7,500 अगर आपका बड़ा ग्रुप है, या फिर आपको 4,500 तक में भी कैब मिल जाएगी फॉर 6 persons। तो अब आता है बड़ा खर्चा, SDF चार्जेस, जिसके बारे में पहले आपको बताया है मैंने। 1,200 rupees पर डे पर पर्सन के हिसाब से लगेगा ये आपको। तो अगर आप 8 days के लिए आ रहे हैं, 9th day आप एग्जिट कर रहे हैं, लेकिन आपको 9 days के लिए परमिट लेना पड़ेगा, यानी कि नाइट के हिसाब से नहीं डेज के हिसाब से परमिट लगेगा। अगर आप 9 दिन के लिए वहाँ पे हैं तो आपको 9 days का परमिट लेना पड़ेगा। इसके अलावा हर जगह जहाँ पे भी आप जाएंगे मोस्टली जगहों पे टिकट्स हैं, टिकट के प्राइसेस मैक्सिमम जगह पे 500 rupees हैं, कई जगहों पे 1,000 rupees भी टिकट है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप 8 से 10 जगह घूमते हैं तो आपको 500 rupees हर जगह एंट्री टिकट देना पड़ेगा। होटल्स की अगर बात करें तो मिनिमम 3-star होटल आपको भूटान में लेना ही पड़ेगा, और जिसके चार्जेस हैं ऑलमोस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे 3,000 rupees से लेके आपको होटल्स मिल जाएंगे यहाँ पे 3-star। बाकी दिन में आप कहीं बाहर खा रहे हो एक्स्ट्रा खर्चा तो वो तो अपने ऊपर है, जितना मर्जी कर लो या जितना बचा लो, मिनिमम इतना तो लग ही जाएगा आपका भूटान विजिट करने के लिए। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जगह के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।